करेंगे एक टॉपिक, हर दिन एक एक टॉपिक ही कर रहे हैं, और ट्राई करना कि एक एक टॉपिक जो है वो करते रहना बस घर पे। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद अ डिवाइडेड विद अ कॉन्स्टेंट, जैसे मेरे को कौन बोलेगा फर्स्ट, नव्या बोलेगी? चल गर्व बोलेगा। यस सर, गर्व, अगर मैं इसको एन प्लस वन बाय आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं एन प्लस वन सी आर प्लस वन, यस सर, ये बात क्लियर है? यस सर, अच्छा एक चीज और बता, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ पता है? सर ए एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस बी एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन इंटू ए, नीचे, ये बात समझ आ गई? यस सर, प्लस सी, तो ये ए एक्स प्लस, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा नो सर, चलो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अलग भी होंगे, वो मोस्ट प्रोबली मैं किसके साथ कराऊंगा, मोस्ट प्रोबली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही कराता, बट कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखते हैं। चल अगर पहला क्वेश्चन देख एक बारी, यस सर, जैसे सी नॉट प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री प्लस सी थ्री बाय फोर टिल अप टू सी एन बाय एन प्लस वन, सी एन बाय एन प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, कोई डाउट? नो सर, ठीक है, अब मेरे को ये बता, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जल्दी बताओ सर सी एन डिवाइड बाय एन प्लस वन, ना। दूसरी टर्म जल्दी बता, जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म मतलब सर आर एट टर्म, सर आई एस टर्म, सी आर डिवाइड बाय आर प्लस वन। ओके सर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, जल्दी बता। सर 0 से लेके एन तक, 0 से लेके एन तक, ये बात समझ आ गई? यस सर, मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या नहीं रहना चाहिए, एन नहीं रहना चाहिए, चल आर नहीं रहना चाहिए ना, ओके सर, ये यहां तक बात समझ आ गई? यस सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, हाँ या ना? मिनट सर, इस एन प्लस वन को बाहर लिख दिया, यस सर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वन अपॉन एन प्लस, हाँ सर, अब ठीक है, चलो वन अपॉन एन प्लस वन, ये अब आर की वैल्यू डालू, बोल क्या आएगा? सर आर की वैल्यू आएगी 1c1 एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी टू, एन टिल अप प्लस टू एन प्लस वन वन सी सी थ्री एन प्लस, तो आंसर बोलेगा 1 अपॉन n+1, समझ आ गई बात की नहीं? यस सर, कोई डाउट है किसी को? नो सर, अर्नब बच्चे डाउट है? अर्नब ठीक नो सर, है, अर्नब तू बोलेगा सेकंड, यस सर, ठीक है अर्नब इस क्वेश्चन का आंसर बोलेगा जो बोल रहा हूं मैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन है सी नॉट बाय वन इंटू टू, सी टू बाय सी वन बाय टू इंटू थ्री, सी टू बाय थ्री इंटू फोर टिल अप टू सी एन बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर, हाँ डाउट नहीं है, अच्छा, अब मेरे को एक बारी बता कि क्वेश्चन पढ़ दे एक बारी।
That C naught by 1 into 2 plus C1 by 2 into 3 plus C2 by 3 into 4 till up to Cn over n plus 1 into n plus 2. General term bolega? Cr over r plus 1 into r plus 2. Cr by r plus 1 into r plus 2. R ki value kahan se kahan tak? Sir, 1 se leke n plus 2 tak. 0 se hai na bache? Acha, r ki, yes sir. Koi doubt hai? No, sir. मैंने क्या बोला था मल्टीप्लिकेशन में क्या नहीं रहना चाहिए सर आर नहीं आना चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर एन प्लस वन से और एन प्लस टू से डिवाइड भी उससे कर दूं यस सर तो बाहर क्या आया वन ओवर एन प्लस वन इनटू एन प्लस टू समेशन किसका हो गया सर एन प्लस टू सी आर प्लस टू और यहां तक बात समझ आ गई है यस सर अब n प्लस टू सी क्या आ रहा है सर सी आर यस सर n प्लस टू सी टू प्लस कौन सी टर्म्स नहीं है सर वन और n प्लस टू सी वन जीरो n प्लस टू सी जीरो n प्लस टू सी वन यस सर तो आंसर क्या आया टू की पावर n प्लस टू माइनस एन प्लस टू सी जीरो वन होता है एन प्लस टू सी वन कोई डाउट है नो सर अच्छा पूर्वी नहीं आ रही आर्यमन अनीश यस सर अनीश आवाज आ रही है यस सर अनीश क्वेश्चन है सी नॉट बाय वन इंटू टू इंटू थ्री सी वन बाय टू इंटू थ्री इंटू फोर सी टू बाय थ्री इंटू फोर इंटू फाइव सी एन बाय एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री क्वेश्चन बोलते हैं अनीश एक बार पढ़ के सी जीरो बाय वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस सी वन बाय टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस सी टू बाय थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टिल सी एन बाय एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बात समझ आ गई यस सर अब इसकी जनरल टर्म बोल सी आर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री अब जल्दी से बोलेगा आगे सर एन प्लस वन एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इनटू एन प्लस टू बाय एन प्लस टू इनटू एन प्लस थ्री बाय एन प्लस थ्री से कर देंगे मल्टीप्लाई सेम टर्म नीचे कर देंगे yes, तो बाहर क्या आ गया हमारे पास sir. n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 बाहर ले जाएंगे समीकरण से और वो हाँ तो इसका सम क्या आएगा जल्दी बता फिर इसका सम आ जाएगा 2 raised to power कौन कौन सी टर्म्स नहीं होंगी सर 0 1 2 तो n plus 3 c 0 n plus 3 c 1 n plus 3 c 2 मेरे को लगता नहीं डाउट होना चाहिए नो सर नहीं है बात समझ आ गई है यस सर कोई और किसी को भी डाउट हो आदित्य यस सर आ गया आदित्य अब तुमने बोलना यस सर सी वन माइनस सी टू बाय टू प्लस सी थ्री बाय थ्री माइनस सी फोर बाय फोर टिल अप टू सो क्वेश्चन समझ आ गया यस सर एक मिनट बच्चे मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसके बाद कर अच्छा मेरा क्वेश्चन आता है जैसे सी नॉट माइनस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री माइनस सी थ्री बाय फोर टिल अप टू सो कैसे करें सर इसकी जनरल टर्म ले लेंगे सी आर बाय आर प्लस वन इंटू माइनस वन की पावर एन और सी आर बाय आर प्लस वन इंटू माइनस वन की पावर आर माइनस वन लिखो एन अच्छा हाँ देखो एक बारी यस सर आर इक्वल टू जीरो टू एन कोई दिक्कत नो सर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड सर एन प्लस वन से क्या बना
सर ये आर माइनस वन के पावर आर ही तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इसके अंदर आर इक्वल टू वन पुट करोगे तो ऊपर बनेगा सी वन और साइड में बनेगा माइनस वन के पावर जीरो। ठीक ठीक बच्चे ठीक, ये सही जो आप बोल रहे हो वो सही। ठीक है अब ठीक है। यस सर। चल अब क्या होता है, कौन बोल रहा था, आदित्य। यस सर। अब आदित्य देख, ये वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता। एन प्लस वन एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन प्लस वन सी आर, एक मिनट, एन प्लस वन सी आर से अगर जीरो से एन प्लस वन और एक्स की पावर आर, यही होता है ना, आर इक्वल टू जीरो टू एन। ठीक है एन प्लस वन हो ना, एक्स की पावर सर आर जीरो से एन प्लस वन होगा ना, एन प्लस वन। हाँ बच्चे ये सही सही है। यस सर। अच्छा एन प्लस वन सी आर प्लस वन अगर लिखूं तो इसका अगर ये देखो, इसको चीज को देखोगे एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, एन प्लस वन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एन प्लस वन सी वन एक्स की पावर वन, एन प्लस वन सी टू सी टू एक्स की पावर टू, एन प्लस वन सी एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन। कोई डाउट है? नो सर। एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस वन डाल दूं तो क्या आ जाएगा? अच्छा ऊपर वाले का देखो, ऊपर वाले को देखो, वन बाय एन प्लस वन, एन प्लस वन सी वन माइनस वन की पावर क्या आएगा, अब माइनस वन की पावर जीरो जीरो। हाँ यस सर। या ऐसे कर दू एन प्लस आर प्लस वन कर दू माइनस बाहर कर दू, ठीक है माइनस वन की पावर वन आ गई। सही है? यस सर। एन प्लस वन सी टू माइनस वन की पावर टू टिल अप टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन माइनस वन की पावर एन प्लस वन। क्या लिखता हूँ बच्चे ये बता। सर इसको वन माइनस वन क्या होल पावर एन प्लस वन माइनस वन, माइनस वन बाय एन प्लस वन, वन प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ये तो बात समझ आ रही है, माइनस क्या करूं सर वन हो माइनस वन, तो द आंसर विल बी शायद मेरे हिसाब से वन बाय एन प्लस। यस सर। ठीक है बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा, नव्या बोलेगी? यस सर। नव्या क्वेश्चन है सी वन बाय वन माइनस सी टू बाय टू प्लस सी थ्री बाय थ्री माइनस सी फोर बाय फोर टिल अप टू एंटर। क्वेश्चन समझ आया? Yes. नव्या डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। जनरल टर्म बोलेगी? सर एन सी आर अपॉन आर इनटू माइनस वन की पावर सर आर माइनस वन। ये समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा अब बता, चल अब इससे r से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई फायदा है, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई फायदा कि ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा? नहीं सर। इसमें तो दिक्कत आएगी ना? यस सर। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, ये वाला तरीका थोड़ा सा इसमें दिक्कत करे। अच्छा अब मेरे को ये बता, वन प्लस एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बता। सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस सी वन एक्स की पावर वन सी टू एक्स की पावर टू अप टू सी एन एक्स की पावर एन। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, एक मिनट रुक जा बच्चे, बता ही रहा हूँ। अच्छा अब ये बता कि नव्या, यस सर, ये बताए एक्स की पावर वन के नीचे क्या चाहिए, वन चाहिए, इसके नीचे क्या चाहिए, इसके नीचे क्या चाहिए, इसके नीचे
यही चाहिए ना? यस सर। मगर अब ये देख, अगर इसको इंटीग्रेट भी करता हूँ तो भी नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर टू आएगा कि नहीं? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यही होता है ना? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तो इसको इंटीग्रेट करने का अभी आदित्य बात समझ आई कि दिक्कत आएगी? यस सर। अब इसी को इंटीग्रेशन से ही करेंगे, मगर कैसे करेंगे? इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, सर एक्स कॉमन ले लेंगे, c0 by x plus c1 plus c2x plus c3x square till up to cn x की पावर n minus 1। कोई डाउट है? नो सर। c0 क्या होता है जल्दी बताओ? 1 होता है। सही है। नव्या, नव्या, चलो कृष्णा, कृष्णा यहां तक समझ आई है बात? कोई डाउट है? तो यहाँ पे आया हमारा, अगर अब इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, ये आया ना? कोई डाउट है? नहीं सर। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा जल्दी बताओ? और इसको इंटीग्रेट कर दो माइनस वन टू जीरो। माइनस वन से जीरो क्यों किया? जो कि सर नेगेटिव भी आ रहा है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, नहीं तो जीरो से वन करते। और इसमें माइनस वन से जीरो क्यों किया है? सर नेगेटिव के कारण से, क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है इस में। अब जीरो डालेगा तो राइट साइड में जीरो आ गया सारा। जीरो पहले जीरो डालेगा, लिमिट तो जीरो आ जाए। माइनस वन डालेंगे, नेगेटिव बाहर है। माइनस सी वन प्लस सी टू बाय टू माइनस सी थ्री बाय थ्री। सो अब चाहिए क्या था राइट साइड में? सी वन माइनस सी टू बाय टू प्लस सी थ्री बाय थ्री। सो ऑन। यानी इसको भी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? जीरो से माइनस। ये बात समझ आ गई हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, आप बता सकते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सेवन प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स। नहीं, ये नीचे एक्स भी है ना? अच्छा सर। और कोई बता सकता है किसी ने पढ़ा हो ढंग से? सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं आप? हाँ कृष्णा बोल। सर लॉग लिख के तो सकते हैं? लॉग ऐसे कुछ नहीं। नहीं सर, इसको बाइनोमियल से खोल के वन कट जाएगा, फिर एक्स कॉमन लेके कट जाएगा। एक मिनट देख, ये हो गया वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स। माइनस वन से जीरो इंटीग्रेट करना, यही है ना? Yes, बोलो sir. अब इसको एक तरीका तो ये है कि वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू क्या आएगा, वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स का होल क्यूब टिल अप टू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस डिवाइड बाय एक्स। ये और ये कट जाएगा, ठीक है? और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वन प्लस एक्स की पावर वन बाय वन वन प्लस एक्स का होल क्यूब बाय थ्री। नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? वन प्लस एक्स का, ठीक है,
वन प्लस एक्स की पावर ये होल स्क्वायर है बाय टू, वन प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर, वन प्लस एक्स की पावर एन बाय एन, ठीक है। और माइनस वन से जीरो अगर डालेंगे, जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, और माइनस जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फोर टिल अप टू वन बाय एन, और माइनस वन डालेंगे तो सारा जीरो है। तो दिस इज द आंसर ऑफ सी वन बाय वन माइनस सी टू बाय टू प्लस सी थ्री बाय थ्री माइनस सी फोर बाय फोर। तो कोई डाउट है, ये फॉर्मूला याद रखना सर। वो जो एक्स वाला काटा था उसके बाद मुझे समझ नहीं आया बच्चे, ये देख अगर मैं बोलता हूँ वन प्लस एक्स नहीं, एक्स की पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होता है, नहीं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन का क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, ये बात समझ आ गई। अब x square n minus 1 का क्या होगा, x minus 1 into x square n minus 1 plus x square n minus 2 till up to 1। कोई डाउट है? नो सर, अब समझ आ गया। यस सर, ये तो समझ आ गई टर्म्स कैसे लिखी हैं। यस सर, और ये x से x क्यों कटा, ये बात समझ आ गई। यस सर, 1 plus x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 plus x का होल स्क्वायर बाय 2 होगा। यस सर, और ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बाय 3 होगा। यस सर, ये भी बात समझ आ गई। और ये यस सर, बस लिमिट डाल दो माइनस वन से जीरो, अगर जीरो डालो ये आएगा और माइनस वन डालोगे तो जीरो आ जाएगा। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। कोई डाउट कुछ भी? नो सर, क्लियर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैंने ना इस टॉपिक को बहुत ज्यादा एग्जैक्यूरेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें ना अभी कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, बट वो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कवर अप, ठीक है, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन जो करवाई है कुछ बच्चों को नहीं आती है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि एक बार ना टॉपिक नोट कर लेना गर्व और अर्णव। यस सर, अगर ये वाला टॉपिक नोट कर लेना, लास्ट में जब पूरा सिलेबस हो जाए तो बोल देना एक बारी ये वाले टॉपिक को दोबारा से एक बारी करना, क्यों, क्योंकि इसमें चार से पांच क्वेश्चंस रहते हैं जो मैंने असाइनमेंट में नहीं दे रखे मगर करने जरूरी हैं, ठीक है। सर, जो लास्ट जो हमने एक्सप्रेशन बनाई है उसके अंदर 1 + 2 + 1 / 3 + 1 / 4 = n, उसका कोई सिंपलीफिकेशन नहीं होता? नहीं सर, इसकी फिर एजीपी बनानी पड़ेगी ना। क्या सर, फिर अगर इसको सिंपलीफाई करना है तो पूरे की एजीपी नहीं बनेगी? बच्चे एजीपी कैसे, तो एचपी है, एजीपी थोड़ी बनेगा बच्चे। देख, इसको ऐसा नहीं है, इसका सम नहीं होगा, सम होगा बट शायद ना अभी नहीं कर सकते, कोई ना कोई मेथड बन जाएगा जिससे हो जाए। जैसे ये था ना हमारा इन्फिनिटी तक होता तब बन जाता, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए क्या होता था हमारे पास, e की पावर x होता था, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, या नहीं सॉरी, उसकी जगह हमारा होना चाहिए था 1 माइनस एक्स की पावर। अच्छा, बाइनोमियल इंडेक्स नहीं किया ना हमने? नहीं सर। अच्छा चलो, इसके बाद है ना ये वाला टॉपिक भी रह गया ना, चलो बाइनोमियल इंडेक्स के थ्रू शायद हो सकता इसका सम, बट वो भी शायद नहीं, वो भी इन्फिनिटी तक जाता, वो भी नहीं हो, ठीक है। वो देखेंगे कैसे निकालना है सम, निकल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, बट कोई ना कोई मेथड लगाएंगे हो जाए, ठीक है। अब ये 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब 2 टॉपिक्स रहते हैं और एक बाइनोमियल इंडेक्स रहता है, वो करके हमारा ये टॉपिक खत्म, ठीक है। कर लोगे गर्व, कर लेगा? यस सर, ट्राई करूंगा सर, क्योंकि पेपर है मेरा। अच्छा कल है? नहीं सर, परसों है। चलो ट्राई करो, ढंग से करो। आदित्य समझ आ रहा है? यस सर। आदित्य और आर्यमन, ट्रिग्नोमेट्री का कब टेस्ट देना है दोनों ने?
सर कल ले दोनों का कल, ठीक है कल मेरे को एक बार दिन में मैसेज कर देना, मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे 12 बजे ले लूंगा दिन में, ठीक है। हाँ जी सर, चलो ठीक है सर। हाँ बोलो सर, 12 बजे क्लास है, 2:30 के बाद ले लेना, ठीक है बच्चे, 2:30 के बाद, ठीक है। यस हाँ बोलो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर मोर और लेस 2-3 लगभग 3 क्लासेस के बाद 11th से स्टार्ट हो जाएगा लगभग। ओके सर, ठीक है चलो सर, आप इसके बाद थैंक यू। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और एक कार्डियन मेथड भी था, कार्डियन मेथड, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ही कराए। ठीक है बच्चे, गर्व नोट कर लियो, नहीं तो ये टॉपिक रह जाएंगे तो रह ही जाएंगे, सही है। ओके सर, चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर।